जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका ईसीसी फैमिली के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है आप सभी जुड़ चुके होंगे, जो नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द ईसीसी फैमिली के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जुड़ जाएं। तथा आप सभी लोग अपने मित्रों को, जो लोग ईसीसी फैमिली से नहीं जुड़े हैं, उनको सजेस्ट करिए और जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तथा जरूरी खबरें, हर एक चीज, नोट्स, एग्जामिनेशंस, हर एक चीज आपको ईसीसी फैमिली के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। देखिए, हमारा कॉलेज से डायरेक्टली संबंध है, जो भी चीजें यहाँ पर पोस्ट होंगी वो कॉलेज से परमिशन लेने के बाद पोस्ट होंगी। तो आप लोग जुड़ जाइए और भरोसा रखिए, हमारी टीम आपको हर एक चीज उपलब्ध कराएगी, लेकिन जो लीगली है वही उपलब्ध कराएगी। हर एक इंफॉर्मेशन जो लीगल होगी वो आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से जरूर मिलेगी। अनऑफिशियल चीजों को इग्नोर करिए, जो भी चीजों को अफवाह बता रहे हैं उन सबको इग्नोर करिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म से आपको सभी इंपॉर्टेंट तथा जरूरी एवं सटीक खबरें जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा उसको हम आपको देंगे। तो भरोसा रखिए हम पर। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ट्यूटोरियल एग्जाम्स क्या होता है। आप अभी न्यू न्यू एडमिशन्स हुए हैं आप सभी लोगों के सीयूटी यूजी के थ्रू, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। तो इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, कब होंगे सेमेस्टर के वन के ट्यूटोरियल एग्जामिनेशंस, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं ट्यूटोरियल एग्जामिनेशंस होते क्या हैं। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे साइंस स्ट्रीम की तरफ प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, तो एज इट इज जैसे बीए की तरफ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, ज्यादातर सब्जेक्ट नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं बीए की तरफ। और अगर साइंस में मैथ को देखा जाए तो मैथ भी एक नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें प्रैक्टिकल की जगह ट्यूटोरियल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। मतलब जो भी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा, जैसे देखिए अगर बीए की तरफ हम देखें तो हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, और मिडिवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आते हैं। तो इन सब के क्या होंगे, ट्यूटोरियल एग्जाम्स होंगे। ट्यूटोरियल एग्जाम आप सभी को पता ही है कि पेपर पैटर्न में क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं आपके, पेपर वन और पेपर टू। सेमेस्टर वन टू थ्री फोर में यही क्राइटेरिया रहेगा आपका, पेपर वन पेपर टू पेपर वन पेपर टू। सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स में क्या हो जाता है, आपका एक सब्जेक्ट ड्रॉप हो जाता है और एक पेपर बढ़ जाता है आपका। जो आपके अभी तक पेपर सेमेस्टर वन टू थ्री फोर में आपके पेपर वन और पेपर टू होंगे, वो आपका सेमेस्टर फिफ्थ और सेमेस्टर सिक्स में पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। तो अभी तो आप लोगों का सेमेस्टर वन है, तो अब आप लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि ट्यूटोरियल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो ये ट्यूटोरियल एग्जाम्स होते क्या है। तो ठीक ठाक मैंने आपको समझा दिया है, आपको सारी चीजें लगभग समझ में आ चुकी होंगी। देखिए, पेपर वन और पेपर टू का ट्यूटोरियल एग्जाम्स होगा, ड्यूरिंग क्लास के टाइम पे होगा, 1 घंटे का शायद समय मिलता है, वो आपको समय दिया जाएगा, प्रॉपर इसका डेट शीट आएगा कि कब आप लोगों के ट्यूटोरियल एग्जाम्स होंगे। वैसे डेट मैं भी बता दूंगा कि कब से शुरू हो सकते हैं, जो एकेडमिक कैलेंडर है आपका उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। वैसे आप एकेडमिक कैलेंडर वाला वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये थे ट्यूटोरियल एग्जाम्स क्या होता है, कब होंगे सेमेस्टर वन के ट्यूटोरियल एग्जाम्स। देखिए, ये है आपका एकेडमिक कैलेंडर सेशन 2023-24 का, जिसमें आपकी यूजी सेमेस्टर वन की क्लासेस तो आपकी 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं। उम्मीद है आप सभी लोग क्लास कर रहे होंगे, लेकिन अभी आप लोगों को शायद क्लासेस नहीं समझ में आ रही होंगी, तो आप हम पर भरोसा रखिए, हर एक चीज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे एग्जाम में पास होना है, कैसे एक अच्छा आंसर लिखना है, हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप भरोसा रखिए मेरे ऊपर। तो देखिए, जो आपके यूजी सेमेस्टर वन एंड यूजी सेमेस्टर थ्री, इसके ट्यूटोरियल टेस्ट होंगे वो आपके 28 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में होंगे। आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन है सेमेस्टर एग्जामिनेशन, वो 17 जनवरी से स्टार्ट है। तो 28 नवंबर से 1 दिसंबर, मतलब 3 से 4 दिनों में आपके ट्यूटोरियल एग्जाम्स हो जाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिए कि ट्यूटोरियल टेस्ट लिखा है, तो आप लोग शायद ये लोग सोचें कि इनके नंबर मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। देखिए, इसके मार्क्स आपके मार्कशीट में जुड़ेंगे, 100% मार्क्स जुड़ेंगे। तो ट्यूटोरियल टेस्ट
आपका एक बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है जिसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर गेन करेंगे उतने ही आप मार्क की मार्कशीट बहुत अच्छी होगी। तो देख लेते हैं ट्यूटोरियल एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए मैं आपके सामने ट्यूटोरियल एग्जाम के कुछ क्वेश्चन पेपर सामने रखूंगा। तो देखिए क्वेश्चन पेपर जो PYQ है उनका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपको नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो 8840468907 पे मैसेज करके अपना कोर्स नाम और सेमेस्टर बता के हमसे जुड़ सकते हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। नंबर बहुत ही अधिक मात्रा में होने की वजह से उनको ऐड करने का काम जारी है। तो जल्द से जल्द जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपना कोर्स नाम सेमेस्टर भेज दें। देखिए ये है आपका सेमेस्टर वन का ट्यूटोरियल टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। देखिए एजुकेशन का ये क्वेश्चन पेपर है आपका। देखिए आपका 45 मिनट का आपका टाइम होगा। 25 मार्क्स का आपका पेपर वन होगा और 25 मार्क्स का आपका पेपर टू होगा। टोटल जो ट्यूटोरियल टेस्ट होता है एक सब्जेक्ट का आपका 50 मार्क्स का होता है। जैसे किसी के दो सब्जेक्ट नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप लोगों के दो सब्जेक्ट का ट्यूटोरियल टेस्ट होगा और एक का सेमेस्टर में, सेमेस्टर के लास्ट में होता है जनरली प्रैक्टिकल एग्जाम, तो आपका सेमेस्टर के लास्ट में होगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन मत करिएगा कि क्या ट्यूटोरियल टेस्ट के टाइम ही से प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। बिल्कुल नहीं, सेमेस्टर के बाद होगा आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सेमेस्टर के स्टार्टिंग में हो सकता है या सेमेस्टर के लास्ट में। जनरली आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो सेमेस्टर के लास्ट में होगा, इस बात को ध्यान दे दीजिएगा। तो ये है आपका ट्यूटोरियल टेस्ट का पेपर पैटर्न। आपके समक्ष दो क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक क्वेश्चंस करना होगा। जनरली एक एक क्वेश्चन आपको और करके, सॉरी दो क्वेश्चन आएंगे और दोनों में और करके रहेगा, आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं। जो आपकी इच्छा हो आप स्वेच्छा से चूज कर सकते हैं। और पेपर वन और पेपर टू में डिवाइडेड होगा आपका। एक क्वेश्चन होगा 12.5 मार्क्स का, इस बात को ध्यान दीजिएगा। टोटल आपका दोनों क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। तो ये था आपका एजुकेशन का पेपर वन पेपर टू। और इसी प्रकार देखिए साइंस स्ट्रीम में मैथ का होता है। मैथ में थोड़ा सा क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है, जैसे 5 क्वेश्चंस होते हैं ये आपके। तो क्वेश्चन वन इंच कंपलसरी होता है। मार्क्स इंडिकेट्स आपके मार्क्स आपके सामने लिखे रहते हैं, ऐसे होता है। 5 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो ऐसे ही होता है सेमेस्टर वन का है। देखिए सेमेस्टर वन का पेपर वन और पेपर टू, ये मैथ का ट्यूटोरियल टेस्ट है। तो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत ही जल्द आप लोगों के समक्ष एक वीडियो आएगा, उम्मीद है बहुत जल्द इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। जैसे ही बन जाता है हम आपके सामने इसको पब्लिश कर देंगे। इससे इसमें आपको हम एक हर एक चीज की गाइडेंस देंगे, कैसे करेंगे आप लोग पढ़ाई, कैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी करें, कैसे आप लोग नोट्स बनाएं। देखिए नोट्स आप लोग किसी से भीख मत मांगिए। आप अब इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप नोट्स खुद बना सकते हैं। और अगर आप खुद नोट्स बना के एग्जाम देंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आप लोगों के एग्जाम्स अच्छे जाएंगे और आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे। तो किसी के नोट्स पर आप बिलीव मत करिए, आप खुद की नोट्स बनाइए। अब आप इतने कैपेबल हो चुके हैं, कैसे नोट्स बनाना है अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो थोड़ा सा समय दीजिए। हर एक चीज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। थोड़ा सा आप लोग अफवाहों से दूर रहिए, बस इस बात को ध्यान दीजिए। मैं आपको हर एक इंफॉर्मेशन सही एवं सटीक दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन जरूर दूंगा, इस बात को ध्यान दीजिए। पूरा फुल स्ट्रेटेजिक वीडियो, कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जाता है, कैसे आप लोग कॉपी में आंसर्स लिखें, कैसी होती है आपकी कॉपी, इन सब के बारे में बहुत जल्द एक डिटेल्ड वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। आप सभी जुड़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं तो आप अपने मित्रों को सजेस्ट करके इसी से फैमिली के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जल्द जुड़ जाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आपका।